जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों आज जैसे कि झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो ऐसे में जो है जितने भी कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है उनके मन में कई सारे जो प्रश्न हैं अब वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी प्रश्न जैसे कि आप लोग के दिमाग में अभी उठने वाले हैं, जैसे कि कितने नंबर पर जो है कितना रैंक आ सकता है, उसके बाद कितने रैंक आने पर आप जो है अपने मनपसंद जो ब्रांच है उसके चुनाव कर सकते हैं, कितने नंबर पर आप कोई भी एक अच्छा सा जो ब्रांच है वो आपको मिल सकता है, पिछले बार के क्या नतीजे रहे थे और 2019 के जो है वो क्या किस प्रकार के नतीजे रहने वाले हैं। तो ये जितने सारे आप लोग के जो दिमाग में अभी प्रश्न चल रहा है उन सबका जो है मैं अभी आपको आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। और मान के चलिए ये जो हम लोग का एनालिसिस है ये बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही जो है जानकारी लेने के बाद जो है इसे बनाया जा रहा है। तो मान के चलिए ये आप लोग का बहुत ही 100% रिजल्ट जो है वो रहने वाला है। तो इस बेसिस पे आप लोग का अगर स्कोर आता है तो आप लोग का जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए जो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे CML रैंक की, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एनालाइज किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 2015 को लेंगे, फिर 2016, 2017, 2018 और 2019, तो इस बार को भी हम लोग लेने वाले। तो इन सारे जो ईयर है इन सारे चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर आप लोगों ने इस बार का जो एग्ज़ाम दिया है अगर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से दिया है तो आप लोग का जो रैंक है वो 1 से लेकर 500 के बीच में होने वाला है, ठीक है। 1 से लेकर 500 के बीच में होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग का ऑब्वियसली जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है, 1 से लेकर जो 500 के अंदर है वहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो 2015 में जो हाई जो एक लड़का ने लाया था 150 नंबर का जो है आप लोग का एग्ज़ाम होता है उसमें से एक लड़का ने 110 स्कोर किया था 2015 में। वहीं 2016 में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आने की वजह से 105 ला पाया था, जो हाई जो टॉप रैंक किया था वो जिसका एक रैंक था उन्होंने 105 रैंक लाया था, ठीक है, नंबर लाया था। वहीं 2017 में जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है हार्ड देखने को मिला था जिसके कारण जो नंबर एक पे जो स्टूडेंट रहा था उन्होंने 95 नंबर लाया था, ठीक है। और जो 2018 की अगर हम लोग बात करें तो वो एक मॉडरेट पेपर था, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे जो है जो पहला रैंक का स्टूडेंट था जिसका पहला CML रैंक था उन्होंने जो है 115 नंबर लाया था। तो इस प्रकार से नंबर लाया था। अगर हम लोग बात करें 2019 की तो अभी जो है तुरंत जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है, तो ऐसे में जो है आप लोग का अगर मैं बात करूं क्वेश्चन लेवल की तो क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा जो है नॉर्मल भी नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का था, तो ऐसे में जो है मिडिल एक पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का जो कट ऑफ है यानी कि जो अगर आप लोग का जो रैंक है, यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट की, ठीक है। जो SC ST है उनका जो है थोड़ा देर में बता दूंगा कि उनका जो है परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहने से कौन सा ब्रांच मिलेगा, ठीक है, तो उनका भी मैं बताऊँगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग का जो है क्वेश्चन जो अगर थोड़ा सा नॉर्मल रहा होगा तो आप लोग का स्कोर कितना है 120 के आसपास भाग सकता है, ठीक है, 2019 की अभी हम लोग बात करें। अगर आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा नॉर्मल अगर रहा तो 120 के आसपास जा सकता है, अगर थोड़ा सा हार्ड रहा है आप लोग का क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर जो है 107 के आसपास या फिर 100 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है ज़्यादा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2015 से लेकर देखिए तो ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच जो है नहीं है। तो यही जो है हाल 2019 का भी होने वाला है जहां पे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ज्यादा हार्ड अगर क्वेश्चन रहा है तो 107 के आसपास नंबर आने की उम्मीद है, 107 से 100 के बीच भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और अगर बहुत ही नॉर्मल प्रश्न रहा होगा तो 120 प्लस भी जा सकता है या फिर 120 के अंदर ही वो समेट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो टॉप रैंक स्टूडेंट होंगे जिनका जो रैंक है 1 से लेकर 500 के बीच आएगा उन्हें जो है अपना जो है पूरा मनपसंद जो है वहाँ पर ट्रेड मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 500 से लेकर 1000 रैंक वाले स्टूडेंट का, जिनका जो है रैंक है 500 के लेकर 1000 तक रहने वाला है, वैसे बच्चे जिनका जो नंबर है, देखिए 2015 में अगर बात करें जो जिस बच्चे का जो नंबर था वो 500 के आसपास था तो
उनका नंबर था 73, ठीक है। 2016 में 70 के जो आसपास के लड़के थे उनका जो स्कोर था वो 70 के आसपास था और उनका जो रैंक था वो 500 के हजार के बीच में था। वहीं 2017 में 62 नंबर लाने वाले का यही हाल था और 90 2018 में जिन्होंने लाया था उनका जो कैटेगरी था वो 500 से हजार के बीच का कैटेगरी था, ठीक है। इसी प्रकार से 2019 में हम लोगों ने एनालाइज किया है कि जितने भी बच्चों का, ठीक है, अगर हार्ड क्वेश्चन रहता है तो 85 नंबर लाने से और अगर बहुत ही नॉर्मल प्रश्न अगर रहता है तो 100 नंबर लाने से उनका जो कैटेगरी रहने वाला है वो 500 से हजार के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का जो कैटेगरी है वो 500 से हजार के बीच में रहेगा अगर आप लोग जो है 2019 में अगर बात करें 85 से 100 अगर लाते हैं, ठीक है। यानी कि 85 अगर हार्ड प्रश्न आता है और अगर नॉर्मल प्रश्न आता है तो 100 नंबर मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हज़ार से 1500 बीच, ठीक है। यहाँ पे वैसे कैंडिडेट रह सकते हैं जिनका जो देखिए यहाँ पे 2015 में जिन्होंने 55 नंबर लाया था वो इस कैटेगरी में था, 2016 में 60 नंबर, 2017 में 45, 2018 में यहाँ पे लाया था 60 और 2019 में जो है जिन बच्चों का 60 नंबर आएगा अगर हार्ड प्रश्न रहता है तो 60 नंबर पे ही वो सिमट जाएंगे और वैसे कैंडिडेट जो 60 लाएंगे इस बार उनका जो कैटेगरी रहेगा, रैंक रहेगा, वो 1000 से 1500 के बीच रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉर्मल प्रश्न रहता है तो 70 स्कोर लाने पे भी जो है आप लोग का जो कैटेगरी रहने वाले वो 1000 से 1500 के बीच जो है आप लोग का रैंक यहाँ पे जो CML रैंक है वो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग का इस बार का जो क्वेश्चन था वो किस प्रकार का था, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो ना तो ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा जो है ईजी था, तो यहाँ पर मीडियम लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन लेवल था इस बार का, तो यहाँ पर जो है रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता आप लोग के लिए। तो यहां पे वैसे बच्चे जिनका जो 1500 से 2500 के बीच जिनका रैंक होने वाला है उनका नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2015 में 45 लाने वाला जो कैंडिडेट था वो इस कैटेगरी में था, 2016 में 55 लाने वाले का ये हाल था, 2017 में जो है क्वेश्चन टफ रहने की वजह से देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर ये कम है क्योंकि 2017 में जो है कट ऑफ जो है वो कम गई थी और यहाँ पे जो है काफ़ी हार्ड जो है प्रश्न उस बार पूछा गया था जिसके कारण जो है नंबर काफ़ी कम कम थे। तो यही हाल है अगर आप लोग इस बार जो है अगर इस बार की हम लोग बात करें तो इस बार अगर आप लोग 55 से 65, ठीक है, अगर हार्ड क्वेश्चन था तो 55 और अगर नॉर्मल प्रश्न रहता है तो 65, तो ये जो स्कोर अगर आप लोग लाते हैं तो आपका जो कैटेगरी रहेगा जो रैंक रहने वाला है वो 1500 से 2500 के बीच रहने वाला है। लेकिन ये जो 1500 से 2500 का रैंक है ये काफ़ी लो लेवल का रैंक हो जाएगा और ऐसे में आपको जो मनपसंद ट्रेड है वो मिलना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो लॉजिक था वो हाई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें SC ST कैंडिडेट की, साथ में जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे तो हम लोगों ने जनरल को लेके इस चीज़ को एनालाइज किया है, मैं आपको बता दूं कि ये जनरल को लेके एनालाइज किया गया है। लेकिन अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, साथ में अगर आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग का जो स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल का अगर स्कोर 2015 में 110 था, इसके बाद हम लोग 2019 पे चलेंगे, 2015 को थोड़ा सा समझिए कि अगर आपका 110 नंबर आता है, ठीक है, 2015 में आया था 110 नंबर, तो उनको जो है 1 से लेके 500 के बीच जो है उनका रैंक मिला था। ये जनरल की बात कर रहे हैं, 110 नंबर जनरल का आया था तो उन्हें जो है 1 से लेके 500 के बीच उनका जो है वो कैटेगरी था, CML रैंक था। तो यहाँ पे अगर बात करें SC ST कैंडिडेट ने अगर 2015 में, ठीक है, 2015 में उन्होंने अगर 75 नंबर भी लाया होगा तो उनका भी जो रैंक है वो 1 से लेके 500 के बीच ही रहा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि SC ST का जो नंबर है वो काफ़ी कम रहता है और उन्हें जो है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में उनको जो प्रॉफिट है जो कि कैटेगरी का बेनिफिट है वो तो यहाँ पे मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2019 की, ठीक है, 2019 की अगर हम लोग बात करें तो अगर क्वेश्चन हार्ड आया था आप लोग का तो जनरल का तो 107 के आसपास रहने वाला है। लेकिन अगर कोई SC या ST कैंडिडेट जो है अगर यहाँ पे आप लोग मान के चलिए 85 नंबर भी लाते हैं तो आपका जो स्कोर है, आपका जो CML रैंक है वो 1 से लेके 500 के बीच ही रहेगा, ना कि इससे घट जाएगा। 500 से अधिक आप लोग का रैंक नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप लोग का जो छूट है, जो कि आपको कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपका अगर 85 भी आता है किसी SC ST कैंडिडेट का तो उनको जो है उनका रैंक घटने वाला नहीं, उनका रैंक भी जो है 1 से लेके 500 के बीच ही रहेगा। तो ऐसे में जो SC ST कैंडिडेट जो है
जितने भी है, अगर उनका स्कोर जो है इस जनरल के लेवल से कम भी आता है तो आप लोग को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पर जो चीज़ मैंने समझाई है मान के चलिए उसी के बेसिस पर इस बार का जो है आप लोग का जो है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करिएगा, ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की इस बार ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग कुछ और पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए जिस किसी भी बच्चे का, ठीक है, जिस किसी भी बच्चे का 1 से लेकर 1500 के बीच का अगर रैंक कोई भी बच्चा अगर लाता है तो वैसे में क्या है को उन्हें जो है मनपसंद ब्रांच मिलेगा, ठीक है। वो जिस भी ब्रांच में जाना चाहेंगे वो तो उन्हें मिलेगा ही, साथ में उन्हें और एक प्रॉफिट ये मिलेगा कि वो जिस किसी भी मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे कि टॉप कॉलेज की बात करें तो रांची आ जाता है, धनबाद आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जितने भी जो मनपसंद कॉलेज है जहाँ पर अगर हम लोग जाना चाहते हैं, जैसे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, तो ऐसे कॉलेजों को आप लोग आसानी से यहाँ पे चुन सकते हैं अगर आप लोग का रैंक जो है सीएमएल रैंक 1 से लेकर 500 के बीच रहता है, ठीक है। वैसे बच्चे जिनका जो रैंक है 500 से 1000 के बीच रहेगा, वैसे बच्चे जो है मनपसंद ब्रांच तो हालांकि मिल सकता है परंतु कॉलेज मनपसंद मिलना मुश्किल हो जाता है वैसे बच्चों को, ठीक है। अगर 500 से 1000 के बीच में रैंक रहता है तो ऐसे ऑब्वियसली आप लोग को जो है मनपसंद ब्रांच मिल सकता है, बट अगर आप लोग 1000 के बहुत करीब रहेंगे तो हो सके तो आपको मिल भी नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे में मान के चलिए कि आपको अगर मिल भी जाता है लेकिन वैसे बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि मनपसंद जो कॉलेज रहता है वो यहाँ पर थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। अगर आप लोग 800 से अगर हम लोग बात करें तो 800 से 1000 के बीच के जो लड़के हैं उन्हें जो है और मनपसंद कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज जो 500 से लेकर 800 के बीच होते हैं उन्हें भी जो है मनपसंद कॉलेज आराम से मिल जाता है ऐसे में, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें यहां पे 1000 से लेकर 1500 के बीच जिनका सीएमएल रैंक रहने वाला है, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मनपसंद ब्रांच तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे में जो है परंतु उचित ब्रांच एक जो हम लोग बोल सकते हैं कि काम चलाने लायक जो ब्रांच होते हैं वैसे ब्रांच तो आपको यहाँ पे 1000 से 1500 के बीच अगर आपको सीएमएल रैंक रहता है तो यहाँ पर आपका जो काम चलाओ लायक एक अच्छा खासा ब्रांच मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप लोग 1500 से 2500 के अगर अंडर में रहते हैं तो ऐसे में जो है ब्रांच तो आपको अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा, जो बच्चे कुचे जो ब्रांच रहेंगे आपको वहीं पे यही मिल पाएगा, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि अब 1500 से लेके अगर 2000 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आते हैं उन्हें जो है एक अच्छा खासा ब्रांच यहाँ पे जो यहाँ पे मिल सकता है, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रांच जो काम चलाओ लायक ब्रांच होता है जिसकी थोड़ी बहुत मांग भी होती है वैसे ब्रांच तो मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 2000 से प्लस चले जाते हैं तो ऐसे में आपका जो एक मनपसंद ब्रांच होता है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, साथ ही आपको जो भी ब्रांच जो बच्चे कुचे ब्रांच होते हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तो ऐसे में जो बच्चे कुचे ब्रांच है उनको करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनकी मांगे जो है वो बहुत ही कम होती है, और आपको जब प्लेसमेंट दिया जाता है तो उनकी जो मांगे नहीं होती तो आपका जो है कहीं पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका जो है कोई काम आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे में उन ब्रांच को करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। आप लोग को जो इस बार आप लोग एग्जाम दिए तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपका जो रैंक है वो इस बार अच्छा आया होगा, ठीक। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है अब आपसे विदा लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड भी कोई अच्छी खासी नॉलेज चाहते हैं यहाँ पे आगे की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी अगर वो न्यूज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।